Class 11, but a cash book chapter, and I'm going to start the question number 6, that is double column cash book with cash and bank column. This is the format of double column cash book: date, particulars, cash and bank. जो amount का हम single column बनाते थे, बेटा वहाँ double column आएगा cash and bank. Again date, particulars, cash and bank. Clear? It means double column cash book में कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी. मीन्स जैसे जर्नल में आपने किया था कि कोई चेक से पेमेंट कर, किसी को चेक से पेमेंट किया गया है, किसी से चेक रिसीव हुआ है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की जाए. क्लियर है? स्टार्ट करते हैं बेटा. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम. ऑन 1 जून 2017 कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक, यानी कैश इन हैंड मीन्स कैश अवेलेबल इन द बिजनेस एंड कैश एट बैंक इट मीन्स बैलेंस ऑफ बैंक, बैलेंस इन बैंक. क्लियर? बोथ आर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक. 1 जून 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज रुपीज 4000 एंड बैंक इज रुपीज 12000. जो बैंक का बैलेंस है वो बैंक कॉलम में लिखेंगे, जो कैश का बैलेंस है वो कैश कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4 जून को. बेटा नगद माल बेचा, एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. देन कैश अकाउंट डेबिट है, वी विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक टू सेल्स अकाउंट. क्लियर? एंड द अमाउंट विल गोस टू इन द कैश कॉलम 13200. नगद माल भेजा है तो कैश हमारी इंक्रीज हुई है, तो कैश में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड. नेक्स्ट इज रिसीव फ्रॉम सुरेश. 5 तारीख को सुरेश से रिसीव हुआ है. व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, इट मीन्स टू सुरेश. And the amount goes to cash column. How much amount is? Rupees 2500. Next transaction is received check from Ravi and immediately deposited into bank. 6 January को 6400 का check receive हुआ है. किसे? Ravi से. उसको immediately का मतलब उसी time उसे bank में जमा करा दिया. तो same day deposit होता है. Then journal entry क्या रहती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि. क्लियर? ठीक है, रिसीव हुआ है रवि से 6 जून को, इट मीन्स टू रवि एंड अमाउंट गोज टू इन द बैंक कॉलम. क्लियर? बैंक में वो जमा हुआ है तो बैंक कॉलम इंक्रीज हो जाएगा 6400 से. क्लियर? नेक्स्ट इज सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक. बेटा 7600 रुपीज़ की 7 अप्रैल को बेटा चेक से पेमेंट हुई है 7 जनवरी को, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी. चेक से सैलरी पेमेंट करते हैं, क्या जनरल एंट्री रहती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो आप क्या लिखेंगे? बाय सैलरी अकाउंट. कितना अमाउंट है? 7600. ठीक है, यानी बैंक से पैसा कम हुआ है इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है 7600. नेक्स्ट इज पेड सुधीर बाय चेक. सुधीर को पे किया गया है चेक से कितना रुपीज? 5000 रुपीज. सुधीर को चेक से पेमेंट किया 10 जनवरी को, तो क्या करते हो? सुधीर डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो बाय सुधीर कितना बैंक से पेमेंट हुआ है? 5000 रुपीज. तो बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा 5000 से. नेक्स्ट इज ऑन 12 पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस. देन एंट्री ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कुछ नहीं दिया जाता तो कैश अकाउंट से पेमेंट होती है 12 जून को. तो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट होंगे. कितना अमाउंट है? 1200. नेक्स्ट इज कैश परचेजेस. कैश परचेजेस पे एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर? इट मीन्स बाय परचेजेस. कैसे है? चेक से पेमेंट है, कैश पेमेंट है? बिल्कुल. जब तक आपको चेक ना दिया जाए तब तक क्या रहेगा? वो कैश पेमेंट रहेगा. नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अब इसको देखिए बेटा थोड़ा सा. अब हमने बोला था
बैंक आया है तो आप उसे बैंक में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, या बैंक से रिड्यूस करेंगे, और किसी ट्रांजेक्शन में अगर कैश आया है तो कैश इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। बट कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, वट विल बी द जनरल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस ट्रांजेक्शन में बैंक भी आया है, कैश भी आया है, इसे हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें दोनों अकाउंट हमारे डेबिट और क्रेडिट होते हैं, कैश भी और बैंक भी, ठीक है। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे जो उसके साथ क्रेडिट हुआ है टू कैश अकाउंट, और इसके सामने हम क्या लिखेंगे? सी, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन है ये? हाउ मच अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक? 10,000। इट मीन्स कैश अकाउंट हमने डाला है बट अमाउंट कहाँ गया है? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट था ना, बैंक अकाउंट डेबिट था, उसके लिए हमने अकाउंट का नाम लिखा दूसरे का जो उसके साथ क्रेडिट हुआ था, बट अमाउंट जाएगा बैंक में। अब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम आएगा जो उसके साथ डेबिट हुआ है बाय बैंक अकाउंट, एंड वी विल राइट सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री एंड अमाउंट गोज टू कैश। कैश बैंक में जमा कराते हैं, कैश डिक्रीज होती है और बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। बैंक डेबिट हुआ है, बैंक इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज बेटा 20th को कैश सेल्स 15,100, कैश सेल्स ये 15th को थी। 16 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट कितने अमाउंट की? 15,100 कैश सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज, डेट चेंज हो गई है, ये 16 और ये 20th जनवरी, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑन 20th परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, 68,000 की मशीनरी परचेज की है, देन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय मशीनरी, बाय मशीनरी अकाउंट एंड कैश कम हो जाएगी 6800, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑन 21st पेज वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ द अबव मशीनरी, उस मशीनरी के ऊपर खर्च किए गए हैं कितना? 400 रुपीज, उनके उसके एस्टेब्लिशमेंट पे खर्च किए गए हैं, कौन से अकाउंट डेबिट होगा? मशीनरी अकाउंट, उसी जो मशीनरी परचेज की गई थी उसी मशीन पे खर्च किया गया है 400 नेक्स्ट डे, तो बाय मशीनरी अकाउंट 400 उसके एस्टेब्लिशमेंट पे एक्सपेंसेस हुए हैं तो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, 22 को बैंक से निकाले गए हैं ऑफिस यूज के लिए, निकालते हैं तो क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट टू बैंक अकाउंट, इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रा एंट्री, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, क्लियर, क्योंकि दोनों अकाउंट कैश और बैंक है। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट है, देन वी विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश को, एंड अकाउंट का नाम आएगा टू बैंक अकाउंट। डेट क्या है? 22nd और 7500 कैश निकाली है बैंक से तो कैश इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। और ये कैसी एंट्री है? ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। और 22nd जनवरी बाय कैश अकाउंट एंड अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा 7500 से बैंक से, ये भी कैसी है? कॉन्ट्रा, क्लियर, ठीक है। तो सर दो ही कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, फर्स्ट क्या है? व्हेन कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट इज ऑन 23rd रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक, एक चेक मिला अनिल से 4600 का, उसे बैंक में जमा कर, 23 जनवरी को टू अनिल, एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, तो अनिल को डेबिट किया और 4600 बैंक कॉलम में जाएंगे क्योंकि वो सेम डे डिपॉजिट हो चुका है बैंक में, क्लियर। नेक्स्ट इज अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर, अनिल का ये जो चेक था ये बैंक ने डिसऑनर कर दिया और ये वापस आ गया,
अब देखिए बेटा, जब बैंक में चेक जमा कराया था तो एंट्री हुई थी बैंक डेबिट टू अनिल। अब ये चेक डिसऑनर हो गया तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री अनिल डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय अनिल, और बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा 4600। इट मीन्स जो जमा किया था वो चेक जमा नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया तो वापिस कम हो गया, इट मीन्स वो जमा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट इज परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक ऑन 28th। कंप्यूटर क्या होता है, ऑफिस इक्विपमेंट, देन बाय ऑफिस इक्विपमेंट। एंट्री क्या रहती है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट चेक से हुई है 8000। क्लियर। नेक्स्ट इज पेड चैरिटी ऑन 30th बाय चैरिटी, पेमेंट हुई है बाय चैरिटी, कैश से जाएगा, ये आपको चेक से नहीं बोला, ठीक है, इट मींस कैश में दान पे दिया है। एंड ऑन 31 पेड इनटू बैंक रुपीज 12000, इट मींस बैंक में जमा कराए हैं 20000 रुपीज, एंट्री रहती है बैंक टू कैश, इट मींस टू कैश अमाउंट बैंक में जाएगा 12000 एंड बाय बैंक, और अमाउंट कैश रिड्यूस हो जाएगी 12000। क्लियर। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसके बाद बेटा बैलेंसिंग का वही तरीका रहेगा जैसे आपने सिंगल कॉलम कैश बुक में किया था, सेम लाइन में टोटल होगा, टोटल करेंगे यहाँ का और यहाँ का। बेटा कैश बुक की टोटल में से कैश बुक का ही टोटल आप लेस करें। क्लियर। कैश बुक में जो डेबिट का टोटल किया है उसमें से क्रेडिट का टोटल लेस करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर। उसके बाद ग्रेडिट, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। क्लियर। बट जो बैंक कॉलम है तो उसका डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। मींस बैंक में ऐसा हो सकता है कि जितना जमा हुआ है उससे ज्यादा की पेमेंट हो जाए, वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। क्लियर। तो बैंक का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से बैलेंस आ सकता है और कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो दोनों की पेमेंट करेंगे, दोनों का बैलेंसिंग करके और जो ज्यादा है उसमें से कम वाला लेस करके बैलेंस उस साइड आता है, बैलेंसिंग हो जाएगी। ओके बेटा, लेट्स गो।